हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल लाइफ टिप्स में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एडवांस किसे कहते हैं और एडवांस बनने का पूरा तरीका बताऊंगा और क्या क्या फायदे होते हैं एडवांस होने के। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर कहीं भी आप काम करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं भी, तो वहां पे जो भी काम होता है तो उसको एडवांस आपको सोचना है कि फ्यूचर में ये काम कैसा चलेगा और क्या क्या इसमें प्लानिंग करनी चाहिए ताकि ये बिजनेस और आगे बढ़ सके। और अपने जो आपका बॉस, जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका बॉस है, कभी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछता है सारे वर्कर्स से आपसे, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि आगे का फ्यूचर जो काम हो, बिजनेस चल रहा है, क्या है। तो अगर कोई भी सवाल पूछता है बॉस, तो आप उसका अगर जवाब दे देते हैं तो आप बॉस की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। कभी भी कोई भी प्रमोशन वाला मसला आता है, कोई भी प्रमोशन के लिए कोई भी बात आती है उसके माइंड में, तो सबसे पहले आपको नजर में रखेगी, आप उसकी नजर में, क्योंकि आपको उसको पता है कि आपको नॉलेज ज्यादा है इसके बारे में। तो किसी भी काम में आप एडवांस उसका पूरा एडवांस होने की कोशिश करें, उसकी जानकारी पहले से ही ले लें आगे तक कि कैसे कैसे है, आगे तक उसकी जानकारी क्या है, पूरा एडवांस में सब कुछ सोचना है। इस तरह कोई बच्चा है कोई भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, स्कूल में, तो कोई भी काम मिलता है आपको स्कूल की तरफ से, कोई भी जैसे होमवर्क हो गया, तो जिसे होमवर्क दिया है टीचर ने तो उसको आप पूरा करते हैं, तो आपको क्या करना है, एक दो दिन का होमवर्क आगे एडवांस में ही आपको याद करके रखना है, आपको तैयारी करके रखना है। अगर ऐसे में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी स्कूल में या टीचर ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया या, तो आपके पास उसका जवाब होता है और इससे क्या होगा, आपको आदत एक बनी रहेगी एडवांस होने की, तो हर काम में आप एडवांस रहेंगे और आप हर काम में नंबर वन रहेंगे, क्योंकि सबसे आगे की सोच आपकी है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी तरह से आप किसी सफर पे निकलते हैं, कोई भी सफर में निकलते हैं, तो पूरी तैयारी करके आप एक दो दिन पहले ही पूरी तैयारी कर लें, मुझे क्या सफर में ले जाना है, क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या ले जाना है। तो एक दो दिन का टाइम आपके पास है तो एक दो दिन में आप क्या करना है, आपको पूरा याद करना है, यानी कि आपको याद करने का टाइम मिल जाएगा, मुझे क्या क्या सामान भूल रहा हूँ क्या क्या, तो उसमें आप कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई भी आपकी पूरी तैयारी अच्छे से आप सफर कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी तरह से आपके घर में कोई भी प्रोग्राम है, शादी है, कुछ भी है, तो उसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए ताकि मेहमानों के सामने कोई भी ऐसी बात न हो, ताकि आपकी इंसल्ट हो सके। बहुत तैयारी एक दो दिन पहले है कि एक हफ्ते पहले पूरी तैयारी कर लें हर चीज की, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पहले तैयारी कर लेते हैं तो आपको सोचने का टाइम मिल जाता है, याद करने का टाइम मिल जाता है, इसी को बोलते हैं एडवांस होना। पूरी तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद आप माइंड फ्री हो जाते हैं, तो माइंड फ्री होने के बाद आपका जो माइंड फ्री हो जाता है तो आपको वो सब कुछ याद आ जाता है, मुझे आगे क्या करना है, और इससे क्या होता है, समाज में आप अच्छे कहलाते हैं कि इसका काम कोई भी अटका नहीं, अच्छे से काम हो गया, इसको भी एडवांस ही कहते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, अगर आप पैसा का, हर इंसान पैसा कमाता है, तो पैसा कमाता है, उसके साथ में आपको पैसे को बचा के रखना है, इतना पैसा बचा के रखना है ताकि आपके घर में कोई भी मुसीबत आए, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई भी बीमारी न करे, ऐसा कुछ हो आपके घर में, लेकिन देखते हुए ऐसा हो जाता है, तो आपको इतना पैसा जमा करके रखना है ताकि आपको वो पैसा तुरंत काम आ जाए और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और आपको टाइम वेस्ट न हो। कभी ऐसा होता है पैसे का इंतजाम करते करते पेशेंट की हालत गंभीर हो जाती है और बहुत सारी दिक्कत उस टाइम पे आ जाती है, तो आप सोचते हैं कि पहले इसमें तैयारी किए होते तो अच्छा होता। इसीलिए दोस्तों मेरे, अगर आप पैसा कमाते हैं तो कुछ पैसा अलग से हर महीने या 15 दिन जैसे भी हो, आप उसको अलग से रख के आप उसको भूल जाएं, कहने का मतलब मैं उसको हर उसको निकालना ही नहीं, किसी कोई परेशानी आ जाए उसको अलग से रखना है, बहुत कुछ पैसा ऐसे रखना है, आपको वो काम आएगा दोस्तों। इस तरह हर काम में आपको एडवांस ही रहना है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, आप हरदम नंबर वन पे रहेंगे और आप एक अच्छे खासे इंसान बन सकते हैं, मतलब समाज में आप अच्छे कहलाएंगे दोस्तों। कैसी लगी हमारी वीडियो, का पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल ऑल लाइफ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो में, ताकि दोस्तों मैं इस तरह से आपके लाइफ रिलेटेड वीडियो डालता हूँ ताकि आपके काम की रहती है और फायदे की रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।